नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों एक शानदार अपडेट आ रही है असम राइफल्स की तरफ से ट्रेड्समैन के लिए, और कुछ डिप्लोमा और डिग्री लेवल की भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों असम राइफल की तरफ से, कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। आज के वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करने वाले, एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी देने वाला हूं, सो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 10 अक्टूबर 2023 को इनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, और अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कौन कौन इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेगा, क्या इस वैकेंसी की विशेषता रहने वाली है। देखिए दोस्तों इसके जो फॉर्म है 21 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाले, 19 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी रखी गई है, इसमें दो प्रकार की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहां पे 161 वैकेंसी रखी गई है, ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स सभी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में यहां पे बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करके पूछेंगे, ये जो वैकेंसी है ना स्टेट वाइज यूटी वाइज वैकेंसी को डिवाइड करके रखा है, तो आपके स्टेट के लिए जो वैकेंसी है उसी वैकेंसी के लिए आप आवेदन करोगे, यानी कि आपको रेजिडेंस का यानी कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र होगा वो उनको देना होगा, उसी स्टेट के लिए आपको आवेदन करना है, अदर स्टेट से आप आवेदन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए, 21 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, देखिए यहां पर दो प्रकार की वैकेंसी, एक ग्रुप बी की वैकेंसी है और दूसरी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। ग्रुप बी की जो वैकेंसी है जिसमें रिलीजियस टीचर है, ब्रिज एंड रोड के लिए संबंधित जो पोस्ट है बीटेक लेवल की, डिप्लोमा लेवल की, उनके लिए यहां पे 200 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बाकी ग्रुप सी की जो पोजीशन है आईटीआई लेवल की, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में आपसे चार्ज लिया जाएगा। यहां पे देखिए सबसे पहले जो अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें ना, एक तो होने वाला आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा कुछ पोस्टों के लिए, उसके बाद रिटर्न होगा। इन सब के लिए जो एग्जाम सेंटर ना यहां पे इन्होंने दे रखे, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। यहां पे लगभग 10 के आसपास में एग्जाम सेंटर दिए गए, इनमें से कोई भी आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। यहां पे आप देखोगे मैक्सिमम जो एग्जाम सेंटर है असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, उसी साइड में है, तो आपको फायदा भी रहेगा क्योंकि नॉर्थ इंडिया साइड के बच्चे वहां पर बहुत कम जाएंगे, इसलिए कंपटीशन भी कम रहेगा। तो आप एलिजिबल होते हो तो वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज भी आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी। एज के बारे में अपन बात कर लेते हैं, 18 से लेकर के 23 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। वैसे अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है, कई पोजीशन के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष भी, आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एज की जो कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2023 यहां पर रखी गई है। बाकी SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट भी मिल जाएगी। फिजिकल क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट, हवलदार, सर्वेयर, ITI, उसके बाद में लाइनमैन, फील्ड है, प्लम्बर है, राइफल मैन, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक है, इन सब के लिए ये फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है। आपकी यहाँ पे हाइट इन्होंने दे रखी है, उसके बाद नॉर्मल चेस्ट है, उसके बाद में फुल आउट के बाद में ये चेस्ट है। देखिए जो भी नॉर्मल एरिया के कैंडिडेट होंगे 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर चेस्ट का क्राइटेरिया दे रखा है। उसके बाद में कुछ स्पेशल एरिया इन्होंने दे रखा है जिनके लिए 165 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए भी यहाँ पे हाइट के अंदर छूट दी गई है, 162.5 है, चेस्ट 76 है और उसके बाद में फुलाने के बाद में 81 रखी गई है। उसके बाद देखिए राइफल मैन रिकवरी व्हीकल है, उनके लिए भी यहाँ पे हाइट आप देख सकते हो 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद अदर जितनी वैकेंसी है, नायब सूबेदार हो गया, ब्रिज एंड रोड है, नायब सूबेदार, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वारंट ऑफिसर है, इनके लिए हाइट का क्राइटेरिया यहां पे आप देख सकते हो। तो कुछ इस हिसाब से हाइट का क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। उसके अब देखिए सबसे पहले आपका PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, जिसमें जो बॉयज है ना, मेल कैंडिडेट है, उनसे 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो फीमेल है, गर्ल्स है, उनको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1.6 किमी की आपसे रनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से बाकी जो रिजर्व एरिया उनके लिए यहाँ पे रनिंग में टाइम में थोड़ी सी छूट
भी दी गई है, वो भी आप अच्छे से रीड कर सकते हो। अब देखिए अलग अलग पोजीशन के हिसाब से इन्होंने आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी है। देखिए जब आपका रनिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और रिटन के बाद में 4 गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अलग अलग पोस्टों के आधार पे, केवल टेक्निकल वैकेंसी की बात करेंगे। देखिए ट्रेडमैन है जो आपका लाइनमैन फील्ड वाला, उसके लिए 10th पास और आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कर रखी है तो आप आवेदन कर पाओगे। 18 से लेकर के 23 वर्ष एज लिमिट है। बाकी एज में अधिकतम आयु सीमा में छूट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, SC ST 5 साल, OBC को 3 साल की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके एज से संबंधित नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद रिकवरी व्हीकल मैकेनिक है, इसके लिए आईटी आपकी रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में है, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। 18 से 25 वर्ष है। उसके बाद ब्रिज एंड रोड है, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। नायब सूबेदार की आपकी पोजीशन रहने वाली 18 से 23 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। ट्रेड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, इसके लिए जो वैकेंसी रखी गई है, बेचलर डिग्री अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में या फिर सिविल में, तो आप आवेदन कर पाओगे। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। आपके जो भी फ्रेंड है जिनके पास में BBTech की डिग्री है उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। नायब सूबेदार की पोजिशन उनके लिए रखी गई है। उसके बाद ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है उसमें देखिए 3 साल का अगर आपके पास में आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो आप आवेदन 18 से 25 वर्ष है। आईटी प्लंबर के लिए भी वैकेंसी रखी गई 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है। आईटी सर्वर सर्वेयर के लिए भी वैकेंसी रखी गई 18 से 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी रखी गई, आपने अच्छी तरीके से जान लिया होगा। उसके बाद देखिए स्टेट वाइज इन्होंने वैकेंसी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आंध्र प्रदेश है, इसके लिए टोटल मिलाकर के 8 वैकेंसी रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश है, इसमें टोटल मिलाकर के 6 वैकेंसी है। असम के लिए टोटल 8 वैकेंसी है। बिहार के लिए टोटल 15 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, दिल्ली के लिए 1 वैकेंसी है, गुजरात के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, हरियाणा के लिए 2 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश के लिए 1 वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 3 है, झारखंड के लिए 8 वैकेंसी रखी गई है, कर्नाटका के लिए 4 वैकेंसी रखी गई है, केरला के लिए 4 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के लिए 5 वैकेंसी रखी गई है, महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी रखी गई है, मणिपुर के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसी रखी गई है। ध्यान रखना कई सारे तो इस प्रकार के स्टेट होंगे जहाँ से बच्चे भी यहाँ पे भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए भी नहीं आएंगे, तो वो वैकेंसी अलग जो अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे उनके बीच में डिवाइड की जाएगी। खासतौर से जो बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, यहाँ के जो बच्चे हैं अगर ये बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम होगा, क्योंकि यहाँ के बच्चे वहाँ पर कम जाएंगे। तो एलिजिबल हो तो ज़रूर जाइएगा। मिजोरम में इसके लिए टोटल 10 वैकेंसी रखी गई है, नागालैंड के लिए 13 वैकेंसी है, ओडिशा के लिए 6 वैकेंसी है, पंजाब के लिए 2 वैकेंसी है, राजस्थान के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। देखना आपको पड़ेगा भी आप जिस पोजीशन के लिए आवेदन कर रहे हो वो वैकेंसी यहाँ पे है या नहीं है। जैसे कि नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है तो 1 वैकेंसी यहाँ पे उसके लिए भी रखेगी, तो इस हिसाब से वैकेंसी चेक कर लीजिएगा। तमिलनाडु के लिए 5 वैकेंसी है, इस हिसाब से टोटल आप वैकेंसी देख सकते हो। 161 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए। अप्लाई करने की लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो दे दूंगा। जो भी बच्चे एलिजिबल है आवेदन यहां पे जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं रहेगा। वैसे देखें तो अदर जो भी जॉब होती है उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, यहां पे फिजिकल भी मायने रखता है, रिटर्न भी मायने रखेगा, इसलिए मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले वहां पे शेयर करता हूँ। ये नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।